हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री और आज है लेक्चर 5। लेक्चर 5 में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में। के कैटलिस्ट क्या होते हैं? देखिए, मैं बात करूं कैटलिस्ट की तो उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इनका यूज क्या होता है। मैं आपको इसके मतलब से पहले इसका यूज बता रही हूं क्योंकि इसके यूज से ही इसका डेफिनेशन निकल के आएगा। तो देखिए, कैटलिस्ट जो है वो कहां यूज में आता है और कहां नहीं यूज में आता है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद जानेंगे कैटलिस्ट होता क्यों है या क्या होता है। तो देखिए, मैं बात करूं ऐसे रिएक्शंस की, सपोज टू बी कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जो फटाफट हो जाती है, जैसे कि विद इन अ फ्यू सेकंड, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्ट कर रहा है HCl से तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस वॉटर। अब आपको पता है ये रिएक्शन जो है इसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें एक एसिड रिएक्ट करे बेस के साथ या एक एसिड रिएक्ट करे बेस के साथ और बना ले सॉल्ट और वॉटर, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस है, वो खुद ही हो जाती है और विद इन अ फ्यू सेकंड होती है। तो ऐसी रिएक्शंस में भी हम कैटलिस्ट का यूज नहीं करते हैं। अब ध्यान नोट करते रहिएगा मेरी बात, ऐसी रिएक्शन जो कि फ्यू सेकंड्स में हो जाए। मैं यहां पर लिख देती हूं फ्यू सेकंड्स, ठीक है, ऐसे में भी हम कैटलिस्ट का यूज नहीं करेंगे। दूसरा, मैं आपसे एग्जांपल लेती हूं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है आयरन में जंग लग जाता है और आयरन में जंग लगने का जो प्रोसेस है वो कई महीनों का, कई सालों का प्रोसेस होता है। तो ऐसी चीज में भी हम कैटलिस्ट का यूज नहीं करेंगे जिसमें के काफी टाइम लग रहा हो, अ लॉट ऑफ टाइम, या फिर मैं बोलूं टाइम कंज्यूमिंग। और टाइम कंज्यूमिंग भी कितना, सालों का या महीनों का। तो ऐसी रिएक्शंस जो या तो फटाफट हो जाती हैं विद इन अ फ्यू सेकंड, और ऐसी रिएक्शन यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें कि कई साल भी लग जाते हैं और कई महीने भी लग जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हम इन दोनों टाइप की रिएक्शंस में कैटलिस्ट का यूज नहीं करते। तो हम कैटलिस्ट का यूज कहां करते हैं? हम कैटलिस्ट का यूज ऐसी रिएक्शन में करते हैं जो मॉडरेट टाइम या इन दोनों के बीच के टाइम में हो सकती हो, जैसे कि घंटों में हो जाती हो, 4 घंटे लग जाते हो, 5 घंटे लगते हो, ऐसी रिएक्शंस में हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं ताकि उस टाइप की रिएक्शन मिनटों में हो जाए, ठीक है। यानी कैटलिस्ट का आपने यूज जान लिया, कहां पर होता है इसका यूज? मॉडरेट टाइम की रिएक्शन में, जहां पर की रिएक्शन में बहुत कम टाइम लगता हो, घंटों में टाइम लगता हो, और हम कैटलिस्ट का यूज वहां पर करते हैं ताकि जो वो रिएक्शन है बहुत मिनटों में हो जाए, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो रिएक्शन होती है उसकी रेट कम भी होती है कैटलिस्ट को डालने से। तो अब हम पता करते हैं कैटलिस्ट की मेन डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, कैटलिस्ट की जो डेफिनेशन है वो हम यहां पर देख रहे हैं। अ कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस व्हेन एडेड टू अ रिएक्टिंग सिस्टम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। देखिए, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जब रिएक्टिंग सिस्टम यानी रिएक्टेंट के साथ ऐड होता है वो क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। और उस सिचुएशन में कैटलिस्ट खुद जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट खुद रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना देगा, नहीं, वो सिर्फ हेल्प करेगा पुश करने में। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा रिएक्शन की रेट इंक्रीज होगी, लेकिन ज्यादातर केसेस में हम वही चीजें पढ़ते हैं जिसमें कि रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाए विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन कुछ एक केसेस होते हैं जिसमें कि कैटलिस्ट की रेट, जो कैटलिस्ट के डालने पर या कैटलिस्ट को ऐड करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज भी होती है, बट वो कुछ केस अलग है, हम उन्हें बाद में स्टडी करेंगे। अभी हमें जो कैटलिस्ट का देखना है वो वही देखना है जिसमें कि रिएक्शन की रेट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहां पर, तो देखिए, अगर पोटेशियम क्लोरेट जैसे कि KClO3 को हम जब हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किस किस में, KCl प्लस O2 में। इसे बैलेंस कर लेते हैं
ये रहा। अब जैसे हमने हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया KCl में और O2 में, हमें ऑक्सीजन दे दिया ये रिएक्शन। अब आप देखिए ये जो रिएक्शन है ना, बेसिकली अगर हम नॉर्मल विदाउट कैटलिस्ट की हेल्प के करें तो ये 4 घंटे की रिएक्शन है। कितने घंटे की? 4 घंटे की। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन के अंदर या इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का काम कर दे, या कैटलिस्ट जो है ले आए, और कैटलिस्ट कौन सा यूज में आएगा? MnO2। अगर हम इस रिएक्शन के ऊपर कैटलिस्ट ले आए या कैटलिस्ट ऐड कर दे तो यही जो हमारी रिएक्शन है वो मात्र 15 मिनट में हो जाएगी। 15 मिनट में ये पूरी रिएक्शन हो जाएगी। भाई एक ऐसा मरीज जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहा है और उसे 4 घंटे लगेंगे, हम अगर कैटलिस्ट का यूज करें तो 15 मिनट में जो है काम हो जाएगा उसका। 15 मिनट में उसको हेल्प मिल जाएगी ऑक्सीजन की। समझ रहे हो आप मेरी बात? 15 मिनट तक तो हम उसे रोक के रख ही सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैटलिस्ट काम में आता है जहां पर की जो है रिएक्शन है वो मॉडरेट टाइम के लिए हो। जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन 4 घंटे में होने वाली थी लेकिन हम उसे मिनटों में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी जल्दी से जल्दी हम उसे कर पा रहे हैं। 15 मिनट के अंदर हम इस रिएक्शन को कर रहे हैं। तो कैटलिस्ट इन सब चीजों में काम में आता है। तो अब हमें देखना है कैटलिस्ट के टाइप क्या है। तो देखिए हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ लिया है, अब हम इसके टाइप देखेंगे। और कैटलिस्ट का मतलब सिंपल सा यही था कि ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन की रेट को अल्टर कर दे, चेंज कर दे, या तो बढ़ा दे या फिर घटा दे। बढ़ाने वाले केसेस ही हम पढ़ेंगे रेट को, घटाने वाले बहुत कम है। तो चलिए पढ़ते हैं टाइप ऑफ कैटलिस्ट। मेनली जो टाइप होते हैं कैटलिस्ट के वो 2 टाइप के होते हैं। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा होमोजीनियस कैटलिस्ट। दूसरा टाइप होता है हमारा हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट। देखिए होमोजीनियस कैटलिस्ट और हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट है क्या, मैं आपको यहीं पर इसको समझा देती हूं। होमोजीनियस कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जिसमें कि रिएक्टेंट, देखिएगा मैं आपको लिख देती हूं, जिसमें कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों कैसे हो? सेम फेज में हो। दोनों का फेज कैसा हो? सेम हो। यानी अगर रिएक्टेंट सॉलिड में है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड में होना चाहिए, रिएक्टेंट लिक्विड में है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड में होना चाहिए, और रिएक्टेंट गैस है तो कैटलिस्ट भी गैस होना चाहिए। बात समझ में आई? तो होमोजीनियस कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होता है जिसमें कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों जो है सेम फेज में हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट की, तो हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में नहीं होते हैं। जनरली हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट में जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट जो है सॉलिड हो, अगर रिएक्टेंट सॉलिड ही हो जाएगा तो वो केस तो हो जाएगा होमोजीनियस कैटलिस्ट। लेकिन हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो है सेम फेज में नहीं होते हैं। तो आई होप आपको कैटलिस्ट को ब्रॉडली जो है मैंने बता दिया है, समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग 1 by 1 हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस कैटलिस्ट के एग्जांपल लेंगे और तब देखेंगे कि हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट और होमोजीनियस कैटलिस्ट कैसे हैं। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो देखिए अब हम देख रहे हैं एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो होमोजीनियस कैटलिस्ट है वो कैसे होते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था होमोजीनियस कैटलिसिस में रिएक्टेंट, ये पूरा पोर्शन क्या है? रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट, और ये क्या है? कैटलिसिस। तो इन दोनों का फेज सेम होता है होमोजीनियस कैटलिसिस में। तो यहां पर जो मिथाइल एसिटेट है, ये मिथाइल एसिटेट है, ये कैसे फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में, या मैं बोलूं लिक्विड फॉर्म में। वॉटर भी कैसे फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। और HCl भी कैसे फॉर्म में है? लिक्विड यानी एक्वस फॉर्म में। तो ये क्या हुआ? रिएक्टेंट भी लिक्विड फेज में है और आपका कैटलिसिस यानी HCl जो है वो भी लिक्विड फेज में है। तो ये क्या हुए? होमोजीनियस हुए। नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पर, आप देखिए ऑक्सीजन जो है NO की प्रेजेंस में क्या दे रहा है? ओजोन लेयर दे रहा है, सॉरी ओजोन दे रहा है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये O2 जो है वो भी गैसेस फॉर्म में है, NO जो है वो भी गैसेस फॉर्म में है,
तो आप देखोगे कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों जो हैं गैसियस फॉर्म में हैं, तो क्या हो गया, होमोजेनियस कैटलिसिस। थर्ड की मैं बात करूं, SO2 हाफ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NO गिव्स SO3, तो यहां पर जो SO2 है वो भी गैसियस फॉर्म में है, O2 भी गैसियस फॉर्म में है और NO भी गैसियस फॉर्म में है। इन सारे एग्जांपल्स में हमें ये देखने को मिल रहा है जो रिएक्टेंट है वो और जो कैटलिस्ट है वो दोनों के दोनों सेम फेज में है और उसे हमने बोल दिया होमोजेनियस कैटलिसिस। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हेटरोजेनियस कैटलिसिस के कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए एग्जांपल ऑफ हेटरोजेनियस कैटलिसिस। हेटरोजेनियस कैटलिसिस में मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट होंगे वो सेम फेज में नहीं होने वाले हैं। देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। पहला एग्जांपल, SO2 जब O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज V2O5 दैट इज वैनेडियम पेंटाऑक्साइड और क्या दे रहा है SO3, तो आप देखिए SO2 गैसियस फॉर्म में है, O2 गैसियस फॉर्म में है लेकिन V2O5 जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो आप देखोगे कि रिएक्टेंट जो है वो कैटलिस्ट के सेम फेज में नहीं है, तो क्या एग्जांपल हो गया ये हेटरोजेनियस कैटलिसिस का। दूसरा आप देखिए जानी पहचानी हमारी रिएक्शन N2+3H2 क्या दे रहा है NH3 यानी अमोनिया दे रहा है, तो ये हेबर प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हमारा जो कैटलिस्ट है वो फेरम है और इसकी फेज क्या है सॉलिड, जबकि N2 कैसा है गैसेस, H2 कैसा है गैसेस, ये भी गैसेस। तो यहां पर जो रिएक्टेंट है उसका फेज कैटलिस्ट के फेज से सेम नहीं है, तो ये भी क्या कहलाया हेटरोजेनियस कैटलिस्ट का एक एग्जांपल। तो यहां पर ये दोनों एग्जांपल्स हेटरोजेनियस के भी कंप्लीट होते हैं और होमोजेनियस के मैंने आपको करवा दिए। अब हम देखेंगे होमोजेनियस और हेटरोजेनियस कैटलिसिस में डिफरेंसेस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस कैटलिसिस एंड हेटरोजेनियस कैटलिसिस। होमोजेनियस कैटलिस्ट में और हेटरोजेनियस पहला जो आपका डिफरेंस है हमें इनके डेफिनेशन से पता चलता है कि होमोजेनियस में रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट वो कैसे होते हैं सेम फेज में होते हैं, कैसे होते हैं सेम फेज में होते हैं, ठीक है। जबकि हेटरोजेनियस में रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट कैसे होते हैं डिफरेंट फेज में होते हैं, डिफरेंट फेज में होते हैं, ये सेम फेज में और ये डिफरेंट फेज में रिएक्टेंट और इसको थोड़ा सा सही करते हैं, ठीक रिएक्टेंट और कैटलिसिस डिफरेंट फेज में होते हैं। सेकेंड वन जो सेकेंड है वो है जो रिएक्शन होती है होमोजेनियस कैटलिसिस में, जो रिएक्शन होती है वो अकर होती है या रिएक्शन अकर्स इन लिक्विड और गैसियस फेज, ठीक है। जो रिएक्शन अकर होगी वो या तो लिक्विड फेज में होगी या फिर वो गैसियस फेज में होगी, लेकिन हेटरोजेनियस कैटलिसिस में क्या होता है जो रिएक्शन होती है वो अकर होती है ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड होता है और उस सरफेस पे रिएक्शन अकर होती है, जबकि होमोजेनियस में या तो वो लिक्विड फेज में होंगे या फिर वो गैस फेज में होंगे, लेकिन हेटरोजेनियस कैटलिस्ट में वो कैटलिस्ट जो होते हैं वो सॉलिड जो फेज में होते हैं और रिएक्शन जो अकर होती है वो सॉलिड सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट में होती है। थर्ड अगर मैं डिफरेंस की बात करूं
इसको मिटा देती हूँ मैं। थर्ड डिफरेंस है, तो देखिए जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है वो लिखा है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सरफेस ऑफ कैटलिस्ट में होमोजीनियस की कंडीशन में डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है, जबकि हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट में रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है। कैसे? क्योंकि सरफेस जो कैटलिस्ट की होती है हिट्रोजीनियस में वो होती है सॉलिड, ठीक है, और यहां पर जो है वो होती है लिक्विड या फिर गैस। समझ में आई? तो जब एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा तो सॉलिड का जितना सरफेस होगा उतना ही तो एड्सॉर्प्शन होगा, उतना ही तो कैटलिस्ट काम कर पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करेगी सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे, जबकि यहां पर होमोजीनियस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेंगी, क्योंकि वो सरफेस कैसा है, लिक्विड या फिर गैस का, ठीक है। तो अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। देखिए जो फोर्थ डिफरेंस है वो ये है कि जो कैटलिस्ट होता है, आपको पता है होमोजीनियस कैटलिस्ट में, कैटलाइसिस में जो कैटलिस्ट होगा वो कैसा होगा, या तो लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, जनरली यही होते हैं। तो ऐसे केसेस में जो कैटलिस्ट होगा वो डिसॉल्व हो जाता है इनटू द रिएक्टिंग मिक्सचर, क्योंकि जो रिएक्टिंग मिक्सचर है और जो कैटलिस्ट है वो सेम फेज में होते हैं, तो ये क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। जबकि हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट में कैटलिस्ट does not dissolves into the reacting mixtures। इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि कैटलिस्ट और रिएक्टिंग मिक्सचर्स का जो फेज है वो अलग अलग होता है। जनरली कैटलिस्ट यहां पर सॉलिड होता है तो वो डिजोल्व नहीं होते हैं। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो जो कैटलिस्ट होता है उसे प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट बनता है उसमें से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है होमोजीनियस की कंडीशन में। कैटलिस्ट डज नॉट रिमूव इजीली फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। जो कैटलिस्ट है वो इजीली रिमूव, डज नॉट रिमूव इजीली फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो सेम फेज में होता है तो बहुत मुश्किल होती है उसे निकालने में, हटाने में। जबकि जो कैटलिस्ट है इस कंडीशन में इजीली जो है रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि कैटलिस्ट और रिएक्टिंग मिक्सचर जो है उनका फेज अलग अलग है, तो इसलिए जो मतलब कैटलिस्ट होते हैं वो इजीली बाद में प्रोडक्ट से हट जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कैटलिस्ट है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिएक्शन में, वो सिर्फ जो है हेल्प करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट में, कैटलाइसिस में जो होता है कैटलिस्ट वो बिल्कुल आराम से जो है प्रोडक्ट से हट जाता है, रिमूव हो जाता है। इसे मैं लिख सकती हूं कैटलिस्ट रिमूव इजीली फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है, आई बात समझ में। अब चलते हैं सिक्स डिफरेंस की ओर, तो देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट क्या है। मैं इसको मिटा देती हूं। होमोजेनियस कैटलाइसिस और हेटेरोजेनियस कैटलाइसिस के हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर जो सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट ये है कि होमोजेनियस कैटलाइसिस के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है किसके मुकाबले, हेटेरोजेनियस कैटलाइसिस के मुकाबले ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है किसके मुकाबले? हिट्रोजीनियस कैटलाइसिस के मुकाबले। जबकि हिट्रोजीनियस कैटलाइसिस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कम होती है किसके मुकाबले? होमोजीनियस कैटलाइसिस के मुकाबले। मतलब कि होमोजीनियस कैटलाइसिस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है बजाय हिट्रोजीनियस कैटलाइसिस के मुकाबले। तो ये सारे मेन मेन डिफरेंस है। अब आगे हम पढ़ेंगे हिट्रोजीनियस कैटलाइसिस की पूरा मैकेनिज्म, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच।